ये बंदर ने यहाँ पे भी हम लोग का पीछा नहीं छोड़ा। ए भाई तू वही बंदर है ना, ये अपने तू वही बंदर है ना, अपने घर वाला ये। और यहाँ पे सुफियान वीडियो कॉल पे अरसलान भाई को दिखा रहे, दरवाजा बंद रखना पड़ेगा भाई, अंदर पता चला आ गया सामान वामान खा गया। और क्या खा रहा है वो? सो गाइस, बंदर का बच्चा तो यहीं पर ही आ गया, निधा अंदर जाओ। अब उसको क्या जंगल में आया तुम रहने के लिए? जंगल में तुमको यही मिलेंगे और क्या मिलेंगे? अगर लड़की कैसा देख रहा है गाइस, देखो कैसा देख रहा है, रूम की ले लो और दरवाजा बंद कर दो। हाँ मत पहनो, मत पहनो गाइस। ये देखो हमारे ऊपर ही चार बंदर है। निदा क्या खा रहा है ये? क्या कर रहा है ऊपर? ए नीचा देखता क्या? तो गाइस बंदर लोग से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करने का। आप लोगों ने हाउसफुल देखा होगा, बंदर लोग बहुत मारते, गुच्छे मारते। हाउसफुल में नहीं मारता है पागल, वो हाउसफुल में मारता है, नाइट इन द म्यूजियम में मारता है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात भी सच्ची। बस हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक झोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस बहुत दिनों बाद हम दोनों ने ब्लॉग साथ में स्टार्ट किया। मैं तो निदा को बोलता हूँ कि निदा तुम मेरे साथ में ब्लॉग स्टार्ट किया करो, यू नो ब्लॉग में लकीपन थोड़ा आ जाता है। ओके तो गाइस हम लोग फाइनली घर से निकल चुके हैं बाहर घूमने के लिए, एमबीवली एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, तुम्हारा घर है ना यार, आई मीन कॉटेज। और हमारी धन्नो यहाँ खड़ी है प्यार से, अकेले एकदम मस्त। बट यार यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं यहाँ बस जाऊँ। क्या घर वर मिलते हैं क्या भाड़े पे? निदा जो मिलता था वो मिल चुका है, अब किसी को नहीं मिलेगा जिसने यहाँ पे प्रॉपर्टी लेके रखा हुआ। मतलब जब गाइस ये सिटी बन रही है, मैं बताऊँ जो आप लोगों को, मैन मेड सिटी है ये, पहाड़ पे लोगों ने सिटी बनाया है। यहाँ पर अपने अपने पैसे इन्वेस्ट करके लोगों ने अपना अपना कॉटेज बनाया, जिसने निदा सही टाइम पे यहाँ पर इन्वेस्ट किया रहेगा ना आज वो करोड़पति होगा। लेकिन मैं सुना प्रोजेक्ट फेल हो गया, यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते अभी, क्योंकि पहले यहाँ, हाँ पहले फेमस है क्योंकि नया नया बना था और यहाँ पर एंट्री फीस भी थी। अब शायद एंट्री फीस नहीं, क्योंकि हमने तो एंट्री फीस मांगा नहीं, हमने बुकिंग करके आए थे यहाँ पर। तो चलो गाइस आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है और घूमने के लिए, खाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए तो फर्स्ट टाइम तो हम लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे गाइस। ठीक है चलो चलते। सो गाइस हमारी मैडम इतनी समझदार है कि छतरी लेके आई, जिद करके कि बोले छतरी ले लेते हैं अपन, वहाँ पर बारिश बहुत तेज होगी। और मैडम छतरी अंदर ही भूल गए, अब मेरे को इतना लंबा फिर से अंदर आना पड़ा छतरी लेने के लिए, खुद बैठी अंदर एसी में। चलो देखते हैं फटाफट थोड़ा जाके। ओहो गाइस यहाँ पर तो ये यार, मैं देखा ही नहीं था पहले, अभी दिखा, ये बहुत स्लीपरी है लेकिन। मानना नहीं। देता हूँ तुम्हारे को फटका मुंह पे ही अभी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारी पहली लोकेशन पे, जो हमारे कॉटेज के बाजू में था। इसको कहते हैं यूरोपियन झूला, यूरोपियन स्विंग, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, यूरोप में रहता है ऐसा। यहाँ पर बैठ के झूला खाने का मौत का झूला है ये, जहाँ जोर से हवा सीधा इधर उड़ के पानी में जाएगा सीधा। हाँ क्या तुम बैठ भी नहीं पा रहे हो? ओ झूला झूला। अरे हमारे घर में इतना बड़ा बच्चा हांग पे आ रहे हो, तो गाइस इसको छोड़िए। हम आगे बढ़ते हैं। पूरा पैर यहाँ तक ले गया है पागल आदमी। चप्पल की साइज मिल गई है लोगों को। अभी लोगों को अगर तुमको बर्थडे गिफ्ट देना रहेगा तो जूते की साइज मालूम है सबको, है ना? तो गाइस निदा खतरों का खिलाड़ी बन के मेरे साथ आगे बैठी है। चलो पांच झूला नहीं है, जरा भी नहीं है। देखो मैं फुल तुम्हारे भरोसे हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों हाथ से कुछ भी नहीं पकड़ा। तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो, मैं भी तुम पे कर सकती हूँ, बट ज्यादा जोर का मत चलाना। चल अपन दोनों साथ में जा रहे हैं, तो फिर तुमको एक जा रहा है एक बैठे रह रहा है, चलेगा ना? एक दूसरे पे भरोसा करके अगर कुछ हो भी जाए तो क्या है, गम थोड़ी ना रहेगा। एक साथ ही होगा ना, अगर मेरे को कुछ होगा तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं बेटा, ये याद रखना। पलट गई सीधा, तो दोनों का साथ देगा तो तेरे को माफ कर दूंगी। सो गाइस आप लोगों ने पिक्चरों में देखे रहोगे ऐसे ऐसे बंगले रहते हैं जहाँ पे शूट होता है। तो गाइस यही सब बंगले जो है ये लोग हायर करते हैं और यहीं पर ही शूट करते हैं, उसको मस्त चमका उमका के अपने को पता भी नहीं चलता है कि वो इंडिया का है कि बाहर का है, समझे? नेक्स्ट स्टेशन सेल ब्रिज, पुडिल स्टेशन सेल ब्रिज, अगला स्टेशन सेल ब्रिज, नेक्स्ट स्टेशन सेल ब्रिज। अरे बोल दी मैंने, अभी कितनी बार बोलोगे, मेरे को कॉपी करते रहता है ये लड़का। सेल ब्रिज यहाँ पर लिखा है प्लीज डू नॉट स्टॉप, रुक नहीं सकते यहाँ पर। क्यों? अरे यार डैम है एक्चुअली निदा, हाँ देखो ना नीचे पूरा पानी है। तो गाइस यहाँ पे एक वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी है करने को, अगर आप कभी आओगे तो जरूर करना, 1800 रूपए पर पर्सन है। वाटर स्पोर्ट्स नहीं है रे, वाटर सफारी है जो, हाँ वाटर सफारी जो वो झरने पे लेके जाता है, और वो झरना बहुत अच्छा है, बुशी डैम से तो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमको बहुत लेट हो गया, और हम लोग को अगर वहाँ चलेगा तो 2-3 घंटा वहाँ चला जाएगा, तो ये सब आपको देखने नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों के लिए मैंने ये कुर्बानी दे दी, ठीक है? अब YouTube पे देख लेना। यस, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। क्या कहाँ जाएंगे बोलो? लेक फ्रंट कैफे जाएंगे, मुझे लेक गार्डन देखना है। लेक फ्रंट कैफे भी चलते, कुछ खा भी लेंगे। ओके तुमको भूख भी लगी होगी ना? नहीं मुझे कॉफी कुछ पी लेंगे। ओके ओ माय गॉड दिस इज
तो इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी इस चीज के लिए, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो गाइज ये है लेक व्यू और ये है गार्डन। तो लपक के ना एकदम एकदम, हाँ लपक के चिपक के एकदम, तनक के झनक के तड़क के, लेकिन अच्छा लग रहा है। अरे क्या तुम भी सनक बनक देखोगी, चलत मारी सूट दी गटक देखोगी, परत बना मान जाना बाबा जाने जाना मैंने मची दे मजा चली बोला जी। इसके आगे नहीं आता, भी नहीं आता वैसे तो। रामू काका छतरी लेकर आना। आ गए हम लोग लेक व्यू कैफे के, शौचालय है गाइस। कैंप फायर क्या होता है? कैंप फायर जैसा कुछ तो है गाइस। यहाँ पर लेक है, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ बैठते हैं पुनीता, ठीक है? नहीं आगे जाके देखते आते ना और क्या है, जो तुम्हारी हो रहा सफारी जो रुक जाओ गाइस, मैं आप लोगों की तमन्ना पूरी करके रहूंगा। सो गाइस ये देखो, ऐसा है वाटरफॉल, ये देखो हम लोग बैठे यहाँ पर, ठीक है? देखिए हम लोग फोन लेके नहीं गए थे तो यहीं पर से आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखो ये सब है। सो गाइस हम लोग वाटरफॉल पर नहीं जा सके तो क्या हुआ, यहाँ पे एक रिसेप्शन पे आ गया, हमें पता चला कि यहाँ पर एक बोट राइड भी होती जो निदा को करनी थी, निदा ने सेफ रखी थी उसको। yes, मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी तो तुम मुझे बोल रहे थे कि नहीं नहीं वो वाली बोट फास्ट होगी, पीठ में दर्द होगा, मेरे को कुछ नहीं है। फिर बाद में जब तू थी बिस्तर पर ना 4 दिन तक कमर का दर्द लेके, तो मेरे को नहीं बोलना डाइनिंग कितना क्यूट है। हाँ तो वो भी करेंगे ना, पहले तुम्हारी बोट राइड करके आ जाए, उसके बाद डाइनिंग आ जाए, ठीक है? देखो सामने दिख रही मेरे को अपनी बोट, अरे अरे ये देखो हिल रहा है, देखो ये देखो हिला, अभी फील हुआ हिलन डुलन, फील हुई तुम्हारे को अभी? अब तो लेक थोड़ा शांत है इसके लिए इतना हिलन डुलन फील नहीं हो रहा है। देखो इतनी बड़ी बोट में अपन दोनों अकेले जा रहे नहीं था, अच्छा हो वीक डेज पे आया। संभाल गया आराम से आराम से, मस्त प्लास्टिक वास्टिक डाल कर रखा ताकि गीले गीले लोग बैठे तो गंदा नहीं हो। ये देखो गाइस बैठना हमें आगे जाके पीछे पड़ के चप्पल अप्पल उतार के, मजा आ रही है, मतलब अच्छा लग। 20 मिनट की राइड है गाइस, 20 मिनट की मस्त आराम से, यहाँ पे सोने वोने का खाना वाना खाने का अच्छा तुम्हारा बस चला रोटी करने के लिए जगह भी ठीक है हाँ है ना। अरे यार एक काम पे लगा दी इसने मेरे को यहाँ। सो गाइस आप लोगों को हम लोगों ने वहां से नहीं दिखा पाए तो क्या हुआ, आप लोगों को पानी के अंदर आके हम लोग व्यू दिखाने वाले, ठीक है? ये देखो ये रहा व्यू, लाओ तुम्हारी फटाओ फोटो लूनी था। सो गाइस अबे यहाँ भी कुछ है पीछे तुम्हारे, बनारस घाट, बनारस घाट। अरे भाई ये भी था यार। गाइस हम लोग ने ये सब भी देखे थे ऑनलाइन में कि क्या क्या मिलता है, ये जुआना है अच्छा हुआ देख लिए, लेकिन ठीक है अबे जकूजी वाला है ये। हाँ और गाइस बाहर देखो इतना ऊपर बाहर है, अब पी के इंसान ऊपर तो एंजॉय करके पागल ही हो जाएगा नीदा। गाइस हम लोग सोच रहे हैं कि ये इतना खूबसूरत है तो बाली कितना खूबसूरत होगा यार, मुझे मेरे बर्थडे पे बाली ले चलो। बाली या तो टर्की, कान की बाली दिलाऊंगा तुमको नीदा, मैं कंफर्म है। हम सब जंगल के बीच है, ऐसे में मगरमच्छ आ जाएगा तो नीदा। सो गाइस वाटरफॉल को हम लोग छू के वापस जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हमारी राइड कंप्लीट हो चुकी है और ये भाई ने हमें बहुत अच्छी राइड कराया, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलते हैं अभी देखते हैं और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सब 6-7 बजे बोले थे ना, ये बाजार बाजार आप मान मान करके सुफियान माने कि वाटरफॉल के लिए रही तो एटलीस्ट बोट राइड कर लेते हैं। यहाँ पे कोई बाजार भी है एमबी वैली सिटी का, तो लेट्स सी वहाँ पे क्या क्या मिलता है, अगर कुछ मिला तो मैं जरूर लूंगी। तो गाइस अभी पता नहीं हम लोग कहाँ पर आ गए, टाउन स्क्वायर करके कुछ लिखा था यहाँ पर, गाइस कुछ भी नहीं सब कुछ बंद है। ये देखो एमबी बाजार तुम्हारा नहीं था। अच्छा गाइस बाजार बोले तो मतलब सच्ची में बाजार है ये तो यार, पूरा सब सामान मिल रहे थे। सो गाइस यहाँ पर कपड़े भी मिल रहे यार, ये देखो बस थोड़े महंगे है वो बात अलग है। यहाँ पे विला जो रहते हैं ना वो लोग के लिए भी कुछ, यहाँ पे राशन भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, मतलब जो लोगों की प्रॉपर्टी रहेगी ना यहाँ पर ऑलरेडी, जिन लोगों ने अपनी जमीन पे विला बनाए रहेंगे उन लोगों के लिए ये। सो गाइस हम लोगों ने रात के इंतजाम के लिए थोड़ा सामान ले लिए और गाइस अच्छी बात चालू कर दी, और अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे प्राइस भी है जो सेम है एमआरपी पे। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला यहाँ पर 700-800 विलाज है प्राइवेट लोगों के, तो लोग यहाँ पर आते हैं रुकने खाना वाना पकाते हैं तो उनके लिए स्पेशली खोला गया है। अभी देखते और क्या है, रियलिटी गेम जोन जाने का नहीं था, मैं तो बोलता रहने दो, अब उन जब एप्पल का वीआर खरीदेंगे तो उसमें देखेंगे डायरेक्ट। और गाइस बास्किन रॉबिन्स भी है जो बंद है, यहाँ पर है इसकी एंट्री में बाहर ढूंढ रहा था, चलो देखेंगे क्या क्या है अंदर। ओह मस्त लग रहा है निदा, कौन सा गेम खेलना है बताओ? ये तो ड्राइंग है, ये तो किड जोन है गाइस, निदा को बच्चा समझ के उन्होंने बताया रहेंगे कि ये देख लो, बच्चे लोग भी चॉकलेट खाते ना इसके लिए। ये वीआर जोन है, ये वीआर जोन है, खेलना है तुमको?
खेल लो, इसमें कुछ नहीं करना है। नहीं, सब अदर गेम्स। कौन सी स्क्रीन पर दिखेगा? ये स्क्रीन पर दिखेगा, मतलब हाँ अनिता को मैं ऐसा देखूंगा फिर। यार क्या लुक आएगा अनिता यहाँ से तुम्हारा, देखता तुम कितना गंदा खेलने वाले हो। स्वॉर्ड मिलेगी तुमको, तुम खाली मारना उसे, कुछ नहीं दबाना। मतलब 2 दिन तक तुम नहीं कर पाए, 2 दिन तक खड़े रहो यहीं पर। चलो खेलो फिर, मजा आ गई। कैसा लग रहा है आपको? सुबह मेरे हाथ क्या लग रहा है? हाथ में स्वॉर्ड दिख रही है? नहीं, मेरा हाथ नॉर्मल लग रहा है। तो क्या दिख रहा है तुम्हारे को? अरे ये क्या कर रहे हो? चिकु चिकु चिकु। नहीं ये नहीं चाहिए। अच्छा दिख रहा है क्या उसमें? मेरे हाथ दिख रहे हैं अभी, ये दिख रहे हैं स्वॉर्ड्स। आई चलो, इसमें ब्लू है, इसमें रेड। आ गई निधा, चलो मारो एरो, एरो का डायरेक्शन में मारो। अरे 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 मेरे पास ना बॉल आएगा, लेफ्ट राइट होते जाएगा। अरे 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 तुम तो, अरे इधर बाहर निकल जाओगे, इससे इससे पता चलेगा यहाँ से बाहर निकल गई है। इसकी सांस फूलना चालू हो गई। खत्म हो गया? तुम्हारी बेइज्जती दिख रही थी यहाँ पर। और यहाँ पे सुफियान को बांध दिए है। मजा आई? धक 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 धक। देखो लाइट की एक गन छूट गई। चलो यार सुफियान, अगर तुमने नहीं खेल पाया ना तो मेरा नाम डुबा दूंगा। ओ हो हो, अबे कितना इजी है ये तो। सुफियान ऐसा समझो कि रियल ज़ॉम्बीज आए। अरे 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 अरे, क्या हो गया? मारो सुफियान मारो। जीत गया कि हार गया? सर अब पहले ही लेवल में हार गए। अबे मेरा अंग पा गया। जीत तू, इतना डरता है कोई? पहली बार करा, मेरे को थोड़ी मारता। अच्छा लगा ना एक्सपीरियंस? अच्छा था ना। तो गाइज अभी सुफियान चढ़ने वाला है। कितने माले पे जाने वाला है सुफियान? 150 फ्लोर। बढ़िया है, ग्राउंड पे ही। डरना नहीं, मालूम पड़ा डर गए नीचे गिर के। क्या लिफ्ट ऊपर जा रही है? फ्लाइंग स्ट्रेट है ना? चक दे फट्टे। अबे एक साथ एक पैर आगे एक पैर आगे, डर लग रही है? बहुत डर लग रही है। ए हाथ का सपोर्ट मत लो, चलो चीटर। 150 फीट नीचे जाऊंगा मैं। नहीं जाओगे पागल, तुम धरती पे ही हो नीचे। ये जीत गए सूफी, ये तुम जीते हो तो कुछ शगुन वगुन तो मांगो। शगुन वगुन क्या? कुछ नहीं मिलेगा जीतने पे, दुआ मिलेगी। उल्टा तुम्हारे को पैसा देना पड़ेगा पागल। एप्रिसिएशन मिलेगा। सेल हुआ बोलते अच्छा क्या हमारा सेल हुआ। फाइनली हमारा गेम कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने सारे गिफ्ट है यहाँ पर, कुछ नहीं मिलेगा। शेट गाइस, ऐसा ही पैसा देना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर तो हमारा हो गया एक्सपीरियंस। अच्छा था, पहली बार मैंने लाइफ में वीआर गेम खेला। अब मेरा मन करे मैं वीआर खरीद लूँ, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था, इतना रियल लग रहा था ना गाइस। लग रहा था सही में ज़ॉम्बीज मेरे आंग पे आ रहे। तो अभी देखते हैं और यहाँ पर क्या है करने को। बहुत मजा आ रही है फिलहाल तो। फर्स्ट टाइम अगर कहीं पर जाओ पूरी तरह से एक्सप्लोर ना करो ना गाइस वो जगह को, तो गाइस वो वर्थ नहीं होता। कभी भी कोई भी चीज सेकंड टाइम के लिए नहीं छोड़ना कि हम सेकंड टाइम आएंगे तब करेंगे। बस उन्होंने वाटरफॉल छोड़े क्योंकि वो मजबूरी थी हमारी, इसीलिए, वरना हम लोग वो भी नहीं छोड़ते। ठीक है, लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लगा तुम्हारी बदौलत, थैंक यू सो मच। स्पाइडरमैन का भी गेम था, इधर स्पाइडरमैन भी खेलेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग सब जगह पे घूम लिए, मतलब जो जो ऐसा लगता था हमारे घूमने लायक है हम लोगों ने वो सब जगह एक्सप्लोर कर लिए। बाकी सब चीजें जो है वो बंद है मॉनसून की वजह से, तो हमने 3 घंटे में पूरा एक्सप्लोर कर लिया ना, 2-3 घंटे में पूरा कर लिया। और अभी हम लोग आगे लेक फ्रंट व्यू में खाना खाने के लिए सीधा रेस्टोरेंट के बाहर लेके गाइस। अगर बारिश आए ना तो सीधा यहाँ से पानी मेरे पास ही आएगा। देखो यहाँ से खुला है, बोलगा मच्छी भी कभी उड़ गया तो अंदर से वहीं पर आएगी, और मच्छी सीधा प्लेट में ले लेंगे पूरा पका के खा लेंगे। क्यों मालूम? बहुत महंगा। गाइस आप लोग वो दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पर खाने को। सबसे पहला जब मैं वो दिखाता हूँ यहाँ पर ये सब खाने का, देखो देखो कितना कुछ है खाने के लिए, देखो बहुत कुछ है। ये देखो गाइस ये देखो, इतने में ना इतने में मैं मैकडॉनल्ड्स में 2 मील खा लूँ। मैकडॉनल्ड्स 2 मील सुबह और शाम, लंच डिनर दोनों हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर सबसे सस्ता है ना ये है गाइस, देखो ड्रिंकिंग वाटर। मैं तो सुफियान को बोली बैठने के बाद, बोली सब महंगा 100 रुपए की बॉटल लेते और खटते हैं। इसका तो प्लान था पूरा दिन भूखा रहने का, मिला नहीं भाई, भले 2 पैसा ऊपर जाए भूखा नहीं रहूंगा मैं, नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा लेकिन भूखा नहीं रहूंगा। सब्वे का है तुम्हारा रखा हुआ? अच्छा मैंने सुबह सब्वे लेके आया, अच्छा मैंने फ्रूट्स लेके आए, मैं सोची यहाँ पे आके सैलेड खाऊंगी। इंजॉय करना है, इंजॉय करेंगे और क्या। घर से खाना पका के लेकर आना वो अलाउड नहीं है यहाँ पर। सबसे सस्ती वाली बॉटल आ चुकी है, 100 रुपए की है। सो गाइस आ गया हमारा खाना, ये है चिकन बॉल और ये है फ्रेंच राइस, खाओ और मजे करो। सो गाइस फाइनली हम लोगों का खाना हो चुका है, बहुत ही सस्ता खाना पड़ा हम लोगों को पेट में जाने के बाद। महंगा खाली बिल में था, गाइस मैं लिटरली बता रहा हूँ। अंदर 2-3 कपल आए थे, मेरे लोग के एक्सप्रेशन देखा, उन्होंने मेन्यू देखे एक दूसरे को देखे,
सीधा एक दूसरे को स्माइल दिया, बोले चलो। मैं बोला ऐसे टाइम पे लोग कैसा बहाना दे देते यार, आप लोगों को समझ ही नहीं आता क्या बहाना देने का। इस पे मैं बहुत जल्दी रील बनाने वाली हूं। हां निदान ने कंटेंट सोच लिया इसके ऊपर रील बनाने का, क्योंकि आज यहां आके मैं शर्मा गई। मैं बोली चलो सुफियान जाते, तो सुफियान बोला पागल हो गई है क्या, इज्जत के मारे बैठ जा चुपचाप। इज्जत के फजीते हो गए। चलो अभी चलते हैं रूम पे गाइस, पूरा घूम लिया, ऑलरेडी शाम हो गई है, अब थोड़ा मजे करेंगे रूम पे, पूल वूल के, लेक व्यू के, बहुत मजा आने वाली गाइस। चलो सो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, और घर पे आते साथ ही हमें इतना बड़ा झटका मिला है कि हमने तीन तीन फोन लेके आए साथ में, बट चार्जर एक भी नहीं लेके आए। निदा को इतना भी समझ नहीं है कि साथ में चार्जर लेके चलना चाहिए। कुछ भी हो निदा ने की, तो कुछ भी हो रहा है निदा की वजह से हो रहा है। एक लड़की का फर्ज होता है कि सब सामान ध्यान से देके निकलना, समझे? लड़के का भी फर्ज होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेके निकलना, हर ट्रिप पे तुम्हारा फर्ज रहता है। तो अभी पूरा टाइम कार में घूमना पड़ेगा इस फोन चार्ज करने के लिए, कार में ही लगा हुआ है वायर, अडेप्टर तो हमारे पास है ही नहीं, बताओ भी। तुम चले जाना 2-3 घंटे के लिए मस्त कार में बैठ के, चार्ज तीनों फोन चार्ज करके आना पड़ेगा, कार में सो जाना। सो गाइस हम लोगों ने चेंज वगैरह कर चुके हैं, और मैं आधा घंटा सोने के लिए निदा से इतनी भीख मांगा मैंने, निदा ने मुझे सोने नहीं दी, फिर भी मैं कैसे कैसे करके सोया और उठा हूं। इसको जाना है पूल में, मेरे पीछे ही पड़ी है। तो ठीक है तुम जाओ पहले पूल में। गाइस पूल का पानी इतना ठंडा है ना, मेरे को इतनी ठंडी लग रही है ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा जाने का, लेकिन इसकी वजह से जबरदस्ती मेरे को भी जाना पड़ रहा है। जाओ नहीं आ पाऊंगी मैं, मेरे को लग जाओ जाओ चलो आप पहले जाओ, तुम जाओ पहले, ठंडा पानी है, नहीं तुम जाओ पहले, नहीं पहले तुम, फिर ही मैं जाऊंगा। अरे हिम्मत क्या, धूप में तो बच्चे हो गया, तू मेरी ताकत है, तू मेरी हिम्मत है, तू मेरा ठंडी है यार, बहुत ठंडी, जाओ जल्दी जाओ। अरे तुम जाओ मैं जाओ, मैं कोई नहीं जा पाएगा, मैं जाता हूँ, हटो पकड़ो फोन तुम्हारा। फाइनली पूल में जाने का प्लान हो गया है कैंसल। और जिसके लिए इतना पैसा दी ना तुम, नहीं लेके गए मेरे को, एक नंबर का फटला आदमी हो, ठंडा पानी ना गर्म पानी, मैं जाके बैठी। एक्चुअली इसको दिख गया पानी के अंदर मेंढक, उसकी वजह से नहीं ऐसा, तो उसकी वजह से नहीं गई, और शानी पूरा ब्लेम इसने मेरे पे डाल दी। तुम चले जाते ना पहले, और फिर मेरे को बोलते आज नहीं तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं अंदर आ जाती। आप ही पेंडल जाता था, खुद ही मारते। नहीं मारती, क्यों मारती खुद ही, इतना बड़ा पूल है क्या, खुद ही मारूंगी, झूठी है मर्गी साइज। चलो अभी देखते फटला एक नंबर का, क्या करना है आगे का, ठीक है फटू 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 फटू। अब मैं भी सोचूंगी नहीं जाने का मेरे को, मबरूक फबरूक, ये मबरूक जाएंगे नहीं था, हमूस मिलता वहाँ पर, समझे, मबरूक मुबारक, मेरे को नींद आ रही है, बाद में मिलता होगा, ज्यादा समझ में आ रहा है इसके, मेरे को भी नींद आ रही है। मेरा नाम भी निदा खान है, कैसे नहीं पूल में लेके जाती मैं इनको, मैंने इतना परेशान कर दी मैंने बोली, मतलब ये कैसा इंसान है ना, इसको अगर कहीं जाना होता और मैं नहीं जाऊं तो ये फौरन मेरे लिए जाने के लिए राजी हो जाता, जहाँ मेरे को जाना है। हम लोग दोनों पूल में तो आ चुके हैं, बट यहाँ पर मेंढकों की इतनी आवाज आ रही है और इतना अंधेरा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि मेंढक कहाँ से आवाज कर रहे हैं। इसी में मेंढक जमा होगा तुम्हारे, यहाँ पर ना पता नहीं मेंढक यही कहीं से बहुत आवाज कर रहे हैं, इधर ना पूरा खाली खाली है, वो जाएंगे खाने वाने बाहर, मस्त अच्छी जगह पे मबरूक आ जाए, अगर सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं हुआ तभी अपना टोपा हो जाए, कोई इसको हुमूस खाना था तभी पूल में आए, देख रहे हो गाइस। सो गाइस हम लोग फाइनली पूल से निकल चुके हैं और रेडी हो गया, हम लोग जा रहे हैं खाना खाने मबरूक में, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारा मेन मोटिव है हमारे फोन को खाना। अरे माँ चाबी तो लिया ही नहीं, तुमको बोलता हूँ चाबी तुम्हारे पास रखा करो यार, निदा तुम पागल लड़की। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि फोन को खाना खिलाना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए प्रायोरिटी पे है ये, तो फोन के बिना हमारी लाइफ ही नहीं, फिर आप लोगों को आगे की अपडेट दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब फोन में चार्ज खत्म हो रहे हैं। चलो भाई मिलते हैं मबरूक में। गाइस क्या बचे है, जैसी कार के पास पहुंचे वैसी तेज बारिश शुरू हुई है, इतनी तेज हो रही ना, मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है, तो ऐसी बारिश में चलते हैं मबरूक। बहुत तेज बारिश हो रही है, हम तो डूबने ही वाले है लगता है मुझे। अरे मबरूक चालू है क्या बंदे, लग तो चालू ही रहा है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग और अंदर घुस रहे हैं, जिस हिसाब से जगह दिख रही है बहुत ही ज्यादा महंगी है गाइस, घुस चुके हैं हम लोग अंदर, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ बैठो, वहाँ क्या है देख लेते, मतलब बोलूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते इसको। सो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग आए और यहाँ पर सब कुछ बंद हो चुका है, और मेन्यू तो देखो निदा, गाइस मेन्यू देख लो लेकिन पैसा वसूल चीजें करो, कभी भी जाओ एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो कि पैसा वसूल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जाके पछता रहे हो यार यार मैं क्यों आ गया क्यों नहीं आया। बाकी लोकेशन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन लोकेशन निदा पीछे उक्का उक्का भी बना हुआ शीशा एकदम मस्त। ये लोग ना मुझे हर बार ना अल्कोहल का मेन्यू लगे दे रहे, अल्कोहल का, मैं बोला मैं पीता ही नहीं, बोल रहे दिखते हो बट वैसे हो नहीं। अस्तग्फिरुल्लाह
अभी बचा, अभी खाने को मिल रहा है खाली हुमूस और पीटा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बट वो पूछने गए, देखते कुछ ना कुछ खाने मिल जाए हमें, फटाफट ऑर्डर करते और मंगवा लेते। ठीक है नीता, बहुत भूख लगी है, टाइम पास मत करो जरा भी। तो गाइस हमारा ग्रिल चिकन भी आ चुका है और इसके आते आते हमारा हुमूस खत्म हो चुका है और एक्स्ट्रा ब्रेड भी आ चुका है। तो गाइज हम लोग फाइनली निकल गए खाना खा के, बहुत अच्छा खाना था और ऐसा था कि हाँ दो जन में एकदम पेट भर के खा सकते इंसान, पेट भर गया, मजा आ गई मतलब उसकी जेब भी भर गई, मेरा पेट भी भर गया। हाँ तो गाइज हम लोग आज देखे मतलब चल ही रहे थे, देखे कि यहाँ पे लाइट्स चालू हो गई वो झूलने के लिए। नहीं लेकिन गाइज आप लोग अगर समझ रहे लाइट्स खराब है तो लाइट्स खराब नहीं है गाइज, ये डिजाइन है, हवा की वजह से ऐसा हो गया है, हवा की वजह से लाइट उखड़ गई, ये तो पैटर्न है, एक लाइट नहीं है। ऐसा तो नहीं की नाम लिखा है वैली। अरे कुछ भी बोल रहे हो तुम तो निदा। निदा कल को तो वो डब्ल्यू थोड़ी देखा, गोवा का सिग्नल 10 करोड़ मिलेंगे तुमको एमबी वैली के नीचे 10 करोड़ रुपए लगे। तो गाइस अभी हम लोग वो घूमना है गाड़ी में क्योंकि फोन में चार्ज नहीं है, फोन को चार्ज करना है तो अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में घूमना ही पड़ेगा। चलो इसी बहाने एक्सप्लोर ही कर लेंगे। यस, और मैंने सुनी हूं और मैंने देखी भी हूं, तो हम लोग आपको सेलिंग ब्रिज बता रहे थे वो भी रात में लाइटिंग्स होती है उसमें भी, तो हम लोग देखते हैं वहां जाकर भी लाइटिंग्स चालू हुई है या नहीं। दादा जल्दी आओ, दादा भागो भागो भागो, बहुत बारिश है। भागो भागो नहीं पागल, आराम से चलो, मेरे को दिख नहीं रहा फ्लैश की वजह से। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ गए, गाड़ी में बहुत ज्यादा घूम ली क्योंकि फोन में चार्ज नहीं था, चार्ज करने के लिए घूमना पड़ा हम लोगों को। घर पे आए, हम लोगों ने चेंज किए और हम थोड़ा बाहर आए बैठने के लिए, थोड़ा वादियों के मजे लेने के लिए, जो कि वादियां दिख नहीं रही है, वाइडी हो गई है। तो चलो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा मैं और नीता गपशप मारते नहीं था व्हाट्स से। yes. तो चलो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, आप लोग एमबी वैली घूमे होंगे हमारे साथ में। कल है ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग इन द बिग रेस्टोरेंट, यू नो गाइस बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होने वाला है कल, तो हम लोग को सुबह जल्दी उठना है, जल्दी सोना भी है। चलो ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं अभी। So thank you for watching this vlog. और आपके vlog अच्छा लगे तो please like, comment, share, subscribe जरूर करना guys. Love you. Allah Hafiz.